आरजेडी के अंदर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच जो रार चल रहा है, अब उसमें चिराग पासवान भी कूद गए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो आप सुनिए। मेरा या किसी का भी इस पे टिप्पणी करना उचित ही नहीं है। जो उनकी पार्टी में हो रहा है, ये उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, या अगर परिवार में भी अगर इस तरीके की का कोई विवाद है तो ये भी उनका एक अपना पारिवारिक मामला है। इसमें मेरा या किसी भी राजनीतिक दल का बीच में बोलना किसी भी मायने से उचित नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां हो रही हैं या जिस तरीके की चर्चा हो रही है वो उनकी पार्टी को इफेक्ट करती है, ना कि बिहार की राजनीति को, ना ही बिहार को। तो जो बात ना बिहार को इफेक्ट करे, ना बिहारियों को इफेक्ट करे, ना ही बिहार की राजनीति को इफेक्ट करे, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तीसरे के हस्तक्षेप करने की जरूरत है। पुराना राजनीतिक दल है, पूरी तरीके से अपना अच्छा भला बुरा जानते हैं ये लोग। इनकी पार्टी के लिए क्या सही है, परिवार के लिए क्या सही है, मुझे लगता है उचित निर्णय लेंगे, इसमें किसी तीसरे के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इस बात का कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि उनकी पार्टी में क्या सम्मान किसको मिला, नहीं मिला, किसके बारे में सही कहा गया, किसके बारे में गलत कहा गया। हाँ, कुछ संगठन के स्तर पर उन लोगों ने कुछ फेरबदल जरूर किए हैं, जिसकी वजह से मेरी जानकारी में जो आया ये कुछ विवाद उठ रहे हैं। बट बहरहाल, ये उनका पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का अपना अंदरूनी मामला है। संगठन पे किस पद पर किसको वो रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, ये पूरी तरीके से उनका इंटरनल मैटर है। जनगणना की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस पे हम लोग भी, जैसा मैंने कहा कि हम लोग इसका समर्थन करते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इसके पीछे कारण है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कई ऐसी योजनाओं की घोषणा करती हैं जिसका आधार जातीयता होता है। ऐसे में जरूरी है कि किस जाति की क्या आबादी है, इसकी जानकारी हो, ताकि जो राशि आवंटित करती है केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, वो उचित मात्रा में होती है नहीं, इसकी जानकारी सिर्फ तभी हो सकती है जब ये जातीय जनगणना होगी। सुप्रीम कोर्ट कई बार इसके ऊपर टिप्पणी कर चुका है, कई बार आंकड़ों की मांग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई है केंद्र सरकार राज्य सरकारों से, कि आप बताएं कि जिसके लिए आपने घोषणा की है उसकी आबादी कितनी है। ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं कभी, और 1931 के बाद से कभी जातीयता के आधार पर जनगणना कभी हुई नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसा हो, और इसमें हमारे मुख्यमंत्री ने भी इस बात को रखा है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय इस विषय पे हम लोगों को सुनने को मिलेगा। तो आपने सुना चिराग पासवान जो पटना पहुंचे, और पटना पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि वो उनके पार्टी के अंदर का मामला है, काफ़ी पुरानी पार्टी है और दोनों भाई हैं, दोनों बैठ करके तमाम चीज़ों को सुलझा सकते हैं। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव ने आज प्रेस वार्ता करते हुए अल्टीमेटम तक जगदानंद सिंह को दे डाला है। वही जगदानंद सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा था, हु इज तेज प्रताप यादव, मैं कोई तेज प्रताप यादव को नहीं जानता हूँ। अब जिस तरीके से आरजेडी में लगातार घमासान जो है वो बढ़ता जा रहा है, अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा, उन तमाम खबरों से हम आपको जुड़े रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।